ये भाई को भाई के लिए व्रत किया जाता है, तो गोवर्धन गोधन मतलब कूटा जाता है। इसमें ज़्यादातर मतलब पहले भाई को मारा जाता है या फिर और उसके बाद फिर जिंदा किया जाता है। ये काटा वाला होता है, उससे फिर जिंदा किया जाता है और फिर रुई का बना के और फिर बांध भाई को बांधा जाता है और मिठाई खिलाया जाता है। जी क्या नाम है? सबसे मेन मस्जिद बजरी ही है। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। हिंदू संस्कृति में ऐसे तो सभी पर्व और त्यौहार मनाने की अलग अलग परंपरा है, लेकिन बिहार में भैया दूज के दिन भाइयों की मंगल कामना के लिए गोधन कूटने की अनोखी परंपरा है। आज भैया दूज पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं बिहार के कई इलाकों में यह गोधन के नाम से भी जाना जाता है। आज सुबह से ही बहनें अपने भाइयों को श्राप देकर उनकी मंगल कामना कर रही है। मान्यता है कि इस श्राप से भाइयों को मृत्यु का डर नहीं होता है। इस पर्व को कई महिलाएं एक ही स्थान पर एकत्रित होकर गोधन कूट रही थी। गोधन पूर्व करने वाली सभी उम्र की महिलाएं होती हैं। आज मोहल्ले में एक घर के बाहर महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से गोबर से चौक आकृति बनाई गई, जिसमें यम और यमी की गोबर ही की ही प्रतिमा बनाई गई थी। वही पूजा के प्रारंभ में वहां एकत्रित हुई मोहल्ले की महिलाएं ने पूजा की गई और फिर इन्हें डंडे से कुटा दिया और इस अनोखी परंपरा को ही गोधन कूटना कहा जाता है। इस दौरान महिलाओं ने गीत और भजन भी गाया। भैया दूज फेस्टिवल है, भैया दूज सेलिब्रेट किए हैं। ये भाई बहन का है और ये मतलब सबको अभी मारे हैं, फिर सबकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। श्राप वगैरह भी दिया गया है? हाँ हाँ, श्राप दिए हैं। अब सबको फिर पूजा करके फिर सबको जिंदा करेंगे। क्या नाम है? प्रियंका। आज भैया दूज है इसलिए गोधन कुटा रहा है। भैया दूज है, आज भाई को बुला के खाना उना खिलाया जाता है, बजरी खिलाया जाता है। इससे भाई का लंबा आयु होने के लिए काम लोग करते हैं, इसी के लिए किया जाता है। आज भाई दूज है। क्या कुछ मान्यता है इसके पीछे? इसके बहुत कुछ मान्यता है। भाई भतीजा सबको औरदा बढ़ता है, पति दूल्हा बेटा सबका औरदा बढ़ता है इससे, इसलिए महिला लोग किया जाता है, छठ पवनी से पहले ही किया जाता है। श्राप वगैरह भी दिया? हाँ, श्राप दिया गया है, सबको मार दिया गया है। इसके बाद सबको जियाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, सबको औरदा जोड़ा जाएगा, इसके बाद सबको जियाया जाएगा। क्या नाम है? बीना देवी। आज भाई दूज का त्यौहार है, इसे गोधन भी कहा जाता है और यहाँ कूटा गया ये सब। हाँ। और इसमें श्रापा जाता है लोगों को, जो भी हम जिसे जानते हैं। हाँ। और यही किया गया बस। कैसा लग रहा है मतलब इस फेस्टिवल में? बहुत अच्छा लग रहा है। बजरी वगैरह खिलाया जाता है? हाँ, ये करने के बाद मतलब भाई को बजरी खिलाया जाता है। क्या नाम है? अदिति। भैया दूज हुआ जो अपने भाई के लिए, अपना संतान के लिए, अपना पति के लिए सारा ये व्रत किया जाता है। ये गोधन कुटा हुआ जाता है, सबको अपने अपने भाई बाप का सबके लंबे आयु के लिए ये कुटा जाता है। ये भैया दूज है, बहुत बड़ा पर्व है, इसीलिए सब कुटाया जाता है छठ पूजा के लिए। हाँ, श्राप दिया जाता है और उसके बाद लंबा आयु के लिए सब कुछ मांगा जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ चंद्रमा मिश्रा। ये भाई को भाई के लिए व्रत किया जाता है, तो गोधन मतलब कूटा जाता है। इसमें ज़्यादातर मतलब पहले भाई को मारा जाता है या फिर और उसके बाद फिर जिंदा किया जाता है। ये काटा वाला होता है, उससे फिर जिंदा किया जाता है और फिर रुई का बना के और फिर भाई को बांधा जाता है और मिठाई खिलाया जाता है। जी। क्या नाम है? सबसे मेन मस्जिद बजरी ही है। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। ये एशियन पेंट्स का GX19, इन्हें वाक कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए, वाक कॉन्ट्रैक्टर, वाक कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए, वाक कॉन्ट्रैक्टर, वाक कॉन्ट्रैक्टर। फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाक कॉन्ट्रैक्टर, वाक कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाक कॉन्ट्रैक्टर, वाक कॉन्ट्रैक्टर। बाईस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे। हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स, पुरानी बाजार नियर SBI ATM, मुजफ्फरपुर। एक मौका हमें भी दें।